हेलो गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है। यस गाइस, जिसका बेसब्री से इंतजार था फैंस का, वो गुड न्यूज़ आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट एफसी रिलेटेड बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ आ रहे हैं भाई। ट्रांसफर रूमर आ रहा है, ट्रांसफर अपडेट आ रहा है, जो कि मैं आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलते रहता है। कम्युनिटी पोस्ट हो गया भाई, कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल देता हूँ अपडेट आते ही, और वीडियो भी तुरंत मिल जाता है। तो इसी बात पर हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल दोपहर को ही एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका था कि मोहन बगान एफसी और जमशेदपुर एफसी ने जो है हमारा अली बेमेमर को ऑफर दे दिया था। यस गाइस, हमारा जो जमशेदपुर एफसी है और मोहन बगान सुपर जायंट ने अली बेमेमर को जो है अपने टीम में साइनिंग करने के लिए ऑफर दिया था। लेकिन भाई, उसके ही तुरंत 10-15 मिनट बाद यह अपडेट पता चला कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। यस गाइस, अली बेमेमर के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। तो अभी जमशेदपुर और मोहन बगान भाई ऑफर दे के कोई फ़ायदा नहीं, ऑफर दे दिया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही कंटिन्यू करेंगे हमारा अली बेमेमर, और अली बेमेमर को भाई कौन ऑफर नहीं देगा भाई। अभी तो भाई सीज़न ख़त्म ही नहीं हुआ, इतने सारे अच्छे अच्छे इतना बड़ा बड़ा क्लब भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है। मोहन बगान भाई कितना बड़ा क्लब है भाई, फिर भी अली बेमेमर पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो सोचो भाई, सीज़न के बाद विंटर समर ट्रांसफर विंडो में कितने अच्छे अच्छे क्लब उन पर इंटरेस्ट दिखाता। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी ने फाइनली उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करके बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दे दिया है फैंस को। तो अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है नॉर्थ ईस्ट के फैन पेजेस से, मुझे पता चला है। तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी बहुत दिन, मतलब 2-3 दिन में पता चल जाएगा भाई। अली बेमेमर का ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी दे देगा नॉर्थ ईस्ट एफसी, तो उसका वेट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अभी नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट भाई ट्रांसफर मार्केट में भाई पूरा घुस गया है भाई, साइनिंग्स पे साइनिंग कर रहे हैं भाई, अपडेट्स पे अपडेट्स दे रहे हैं, रूमर्स पे रूमर्स आ रहा है। तो इसी बात पर सब्सक्राइब करो यार, हमारे चैनल पर ये सब आपको सबसे पहले मिलते रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की और चलते हैं। तो भाई हमारा जो अली बेमेमर है भाई, वो तो भाई उनके बारे में आपको बताइए। तो आइए भाई, इन्होंने क्या किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसी के बारे में बात करते हैं। तो अली बेमेमर इस सीज़न 18 मैचेस में 2 गोल दे चुका है। गूगल में तो 1 गोल दिखा रहा था, लेकिन वो मतलब 1 गोल दिखा रहा है लेकिन वो 2 गोल ही मारा है, मुझे अच्छे से याद है। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर है भाई, मिडफील्ड किंग कहलाता है नॉर्थ ईस्ट का, मिडफील्ड किंग दीवार कह सकते भाई वाल। तो अभी ISL में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इस सीज़न बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस किया भाई नॉर्थ ईस्ट का, सबसे अच्छा खिलाड़ी, सबसे अच्छा बेस्ट फॉरनर साइनिंग था भाई नॉर्थ ईस्ट एफसी का। और सभी फैंस का यही डिमांड था कि भाई आपने जवागो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया, नेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया, लेकिन अली का क्यों नहीं कर रहे हो? अली बेमेमर भाई वो कितना अच्छा प्लेयर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करो ना। तो फाइनली गुड न्यूज़ निकल के आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया, तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ था भाई। तो ऐसे ही मज़ेदार गुड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ आने वाला है, और हमारे चैनल पर आपको ये सबसे पहले अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।